स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ये बचपन जो है वो बहुत हर इंसान का बहुत प्यारा होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि बचपन में आप कैसी थी और किस एज से आपने रोज़ा रखना शुरू किया? रोज़ा रखना तो मुझे तो नहीं याद, लेकिन जब से होश संभाला ज़रूर मैंने जो है वो रोज़ा नमाज इस चीज़ों की बड़ी पाबंदी और बड़ा स्ट्रिक्ट रही है मेरी अम्मा सब। और बचपन जो मुझे याद है, क्योंकि मेरी वीडियोस वगैरह पिक्चर्स हर कुछ मेरे पापा ने मुझे दिखाई है, तो मुझे एक्चुअली पता है कि बचपन कैसा था। और वो बहुत नॉटी था, बहुत शरारती थी मैं। और मैं उस तरह थी कि मेरे इर्द गिर्द सारे लड़के थे, तो मैं एक लड़की थी, तो मैं एक तरह से एक लड़का ही थी अंदर से। सबको मारती भी थी, उधर क्रिकेट भी खेलती थी उनके साथ। तो मेरे अंदर एक लड़का था जो बहुत टाइम बाद जाके लड़की बनना शुरू हुआ। और मुझे तब पता लगा जब मैं इस फील्ड में आई कि मैं तो एक प्रॉपर लड़की हूँ और मुझे तो अब एक्टिंग करनी है, तो उसमें तो बोलना जा रही हूँ बोलना है सबसे ज़्यादा मुश्किल वो था, बिकॉज़ जा रहा हूँ बोलती थी मैं बहुत टाइम तक, बहुत बड़े हो। तो मेरी अम्मा बने भी कभी टोका आने के, अच्छा ठीक है बच्ची है, बट उसके बाद काफ़ी मस्ता हुआ था। लेकिन जब मैं लड़की बनी तो फिर मैं इतनी शदीद लड़की बनी कि मुझे इतने लंबे लंबे दुपट्टे चाहिए होते, अम्मा कहती थी ज़मीन से लगने वाले दुपट्टे चाहिए होते थे। मेरी जब रोज़ा को शादी हुई थी उसकी मैंने सारी अपनी पिक्चर्स वगैरह देखी हुई हैं, मम्मी कहती तुम्हें इतना बड़ा पल्लू चाहिए था, हम कहते तुम्हारी भी उससे हाइट से बड़ा है पल्लू, कहती नहीं वहाँ तक